आयुर्वेद टिप्स में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब करें आयुर्वेद टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हमारे नुस्खे वेदों के राय के मुताबिक होते हैं। आयुर्वेद का उद्देश्य ही स्वस्थ प्राणी के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोगी की रोग से रक्षा कर उन्हें स्वस्थ बनाना है। दालचीनी का पौधा जितना छोटा है यह गुण में उतना ही बड़ा है। यह कई खतरनाक बीमारियों से राहत दिला सकता है। इसे रक्त शोधक भी माना जाता है। आइए जानें इसके गुणों के बारे में। नंबर वन, बहुत गुणकारी है दालचीनी। दालचीनी का पौधा जितना छोटा है इसके गुण उतने ही बड़े हैं। दालचीनी की सूखी पत्तियां तथा छाल को मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल थोड़ी मोटी, चिकनी तथा हल्के भूरे रंग की होती है। दालचीनी मोटापा कम करने के साथ साथ कई बीमारियों को भी दूर करता है। यह रक्त शोधक भी है। शहद तथा दालचीनी को मिलाकर दिल की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, त्वचा रोग, सर्दी जुकाम, पेट की बीमारियों के लिए फायदेमंद है। नंबर दो, सर्दी जुकाम के लिए। सर्दी जुकाम होने पर दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। एक चम्मच शहद में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाकर सुबह शाम लेने से खांसी जुकाम में आराम मिलता है। हल्के गर्म पानी में एक चुटकी दालचीनी पाउडर तथा एक चुटकी पीसी काली मिर्च शहद में मिलाकर पीने से जुकाम तथा गले की खराश दूर होती है। इसके पाउडर को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर माथे पर लगाने से ठंडी हवा से होने वाले सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर तीन, जोड़ों के दर्द के लिए। जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए दालचीनी का प्रयोग कीजिए। हल्के गर्म पानी में दालचीनी पाउडर और थोड़े से शहद को मिलाकर शरीर में दर्द वाले अंग पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करने से फायदा होता है। एक हल्के कप गर्म पानी में एक चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से भी जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। नंबर चार, त्वचा के रोगों में फायदेमंद। त्वचा की समस्या होने पर दालचीनी बहुत फायदेमंद है। त्वचा में खाज और खुजली होने पर दालचीनी पाउडर तथा शहद बराबर मात्रा में मिलाकर पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को लगाने से त्वचा की यह समस्या दूर होती है। दालचीनी के पाउडर में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से कील मुहासे दूर होते हैं। नंबर पाँच, पेट की समस्या। अपच जैसी पेट की समस्या होने पर दालचीनी का प्रयोग करने से आराम मिलता है। इसके अलावा दालचीनी के प्रयोग से उल्टी तथा दस्त में आराम मिलता है। एक चम्मच शहद के साथ थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाकर लेने से पेट दर्द और एसिडिटी से आराम मिलता है तथा भोजन भी आसानी से पच जाता है और पेट की समस्या नहीं होती। नंबर छः, मोटापे के लिए। मोटे लोगों को भी दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। चाय में एक चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर एक गिलास जल में उबाले, फिर इसे उतार कर इसमें दो बड़े चम्मच शहद मिलाकर सुबह नाश्ते से लगभग आधा घंटा पहले पिए। ऐसा रात को सोने से पहले करें। नियमित ऐसा करने से शरीर की अनावश्यक चर्बी समाप्त होती है और अधिक कैलोरी वाला भोजन लेने पर शरीर में चर्बी नहीं बढ़ती और वजन कम होता है। नंबर सात, दिल के मरीजों के लिए। शहद और दालचीनी के पाउडर का पेस्ट बनाकर रोटी के साथ खाने से धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा और दिल के दौरे होने की संभावना भी कम किया जा सकता है। जिन लोगों को पहले भी हार्ट का दौरा पड़ चुका है वे अगर इस उपचार को करेंगे तो भविष्य में हार्ट अटैक की संभावना को कम कर सकेंगे। नंबर आठ, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दालचीनी का प्रयोग कीजिए। दालचीनी के बड़े दो चम्मच शहद और तीन चम्मच दालचीनी पाउडर को हल्के गर्म आधा लीटर पानी में मिलाकर लें। इससे सिर्फ दो घंटे में खून का कोलेस्ट्रॉल का स्तर 10% तक नीचे आ जाता है। अगर दिन में इसे तीन बार लेते रहने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। नंबर नौ, कैंसर में भी फायदेमंद। कैंसर जैसे घातक रोगों के लिए भी दालचीनी बहुत फायदेमंद है। जापान और ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों ने अमाशय और बोन कैंसर की बढ़ी हुई स्थिति को दालचीनी और शहद का उपयोग करके इसे पूरी तरह काबू किया जा सकता है। कैंसर रोगियों को एक बड़ा चम्मच शहद और एक चम्मच दालचीनी के पाउडर को गर्म पानी के साथ एक महीने तक लेने से आराम मिलता है। नंबर 10, अन्य बीमारियों के लिए। एक चम्मच शहद में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाकर दांतों पर नियमित दो तीन बार मलने से दांत दर्द में आराम मिलता है। तनाव होने पर शहद के साथ जरा सा पाउडर मिलाकर लेते रहने से आराम मिलता है और स्मरण शक्ति भी तेज होती है। यह अस्थमा तथा लकवा में भी बहुत फायदेमंद है। नंबर 11, बहरापन दूर करें। शहद और दालचीनी पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर एक एक चम्मच सुबह और रात को लेने से सुनने की शक्ति बढ़ती है। कान से कम सुनाई देने की समस्या होने पर कान में दालचीनी के तेल की कुछ बूंदें डालने से भी आराम मिलता है।